Recording. Okay. So now, today we are going to discuss about a topic which is from MCO 1, Organization Theory and Behavior. And the topic says, critically examining modern theories of organization. हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. इसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, और देखो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, पहले भी था. पहले जो उनके काम करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, अभी जो काम करने का तरीका है वो इवॉल्व हुआ है. वही सब चीजें हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसको मॉडर्नाइज किया गया है या इवॉल्व किया गया है. तो कौन कौन सी मॉडर्न थ्योरीज हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इसके बारे में ये टॉपिक होने वाला है. सो वी विल स्टार्ट. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरमेंट. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है इस वक्त पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है. देखो पहले के जमाने में जो बिजनेस एनवायरनमेंट था 100 साल 200 साल पहले, वो बिजनेस एनवायरनमेंट अभी नहीं है. अभी कंप्लीटली डिफरेंट है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, और आप एक जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित नहीं हो. आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फैला हो सकता है. तो जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं, उसको देखते हुए जो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज हैं उनमें इवॉल्व आया है, उसको इवॉल्व किया गया है, और वही हमारा मॉडर्न थ्योरी है. ठीक है. दीज थ्योरीज हैव अटेम्प्टेड टू मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल हायरार्किकल अप्रोच एंड एम्ब्रेस मोर फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव एंड एम्प्लॉई सेंटर्ड मॉडल्स. है ना, जिसमें ही बता दिया गया कि कैसा पहले था और अभी कैसा है. पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनल था. पहले ये चलता था कि घर में अगर कोई बॉस है, मतलब जिस जिस घर का वो बिजनेस होगा, वो बिजनेस उसी घर के लोग ही रन कर पाएंगे, बाहर का कोई बंदा रन नहीं कर सकता. अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है. अभी सपोज बाहर का कोई बंदा आकर के ज्यादा शेयर्स खरीद लेता है, ज्यादा उसके पास अगर अथॉरिटी होती है आपके बिजनेस में, तो वो बिजनेस फिर वो चलाने लगेगा. तो वो चीज चेंज हुई है. हायरार्किकल अप्रोच की ऊपर वाला बंदा जो बोलेगा, नीचे वाले बंदे को वही सारी चीजें माननी पड़ेंगी. आप इफ एंड बट कर ही नहीं सकते, बट अभी के टाइम पे वो नहीं है. हायरार्की थोड़ी बहुत चेंज हुई है, डिसेंट्रलाइज हो गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी डिसीजन लेगा, बाकी सारे लोग भी मिल बांट करके डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है ना, लेकिन पहले वैसा नहीं था. पहले जो ऊपर से ऑर्डर आया आपको उसी को मानना है. और एक हायरार्की थी. हायरार्की मतलब एक के बाद एक कमांड जो होता है, चेन ऑफ कमांड जो होता है, वो हायरार्किकल अप्रोच में ही आ जाएगा. तो वो चीज थी. लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं. रिजिड नहीं है कि जो चल रहा है बस वही चलेगा. हम लोग कुछ नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं. इस चीज को लेकर के हम लोगों ने खुद को ओपन किया है, फ्लेक्सिबल किया है. साथ ही साथ कोलैबोरेटिव वे में काम किया जाता है. पहले के टाइम में लोग ज्यादा कोलैबोरेट नहीं करते थे. अभी के टाइम पे इंटरनेट होने के कारण भी कोलैबोरेशन काफी इजी हो गया है, बोल सकते हो. डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट कोई भी बात ईमेल के थ्रू बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी. जहां पे कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो लोग कोलैबोरेट करके काम कर लेंगे. लेकिन पहले के टाइम में इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ताकि उसको यू नो रियल टाइम में किया जा सके. बट अभी वो चीजें पॉसिबल हैं. साथ ही साथ जो मॉडल है अभी के टाइम पे वो इम्प्लॉई सेंटर्ड हो गए. पहले जो होता था इम्प्लॉयर सेंटर्ड होता था. जो इम्प्लॉयर बोलता था उसका फायदा, उसका नुकसान, उसका सब सारी चीजें उसको लेकर के होती थी. लेकिन अभी के टाइम में आप देखोगे कि जो कंपनीज है वो इम्प्लॉयज के बारे में बात करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं. वर्क फ्रॉम होम की बात की जाती है कि चलो आपको ऑफिस नहीं आना, आप 2-3 दिन घर पे बैठ के काम कर लो. पर काम तो आपको करना ही है, बस घर पे बैठ के करना है. तो एक सेंस ऑफ यू नो कंफर्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है इम्प्लॉयज के अंदर आता है, और उसी चीज को एक्चुअली बढ़ावा दिया जा रहा है. और ऐसा देखा गया है कि जब ये चीज करते हैं बिजनेसेस, तो उनको ज्यादा अच्छा आउटकम देखने को मिलता है. जो परफॉर्मेंस होता है एम्प्लॉयज का वो ज्यादा बेहतर होता है. तो क्यों ना जो मॉडल्स हैं उसको एम्प्लॉय सेंटर्ड ही बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल तो आपके बिजनेस को बड़ा करना है, और उसको बड़ा करने में आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, आपको अपने एम्प्लॉयज का सहारा लेना पड़ेगा. तो क्यों ना एम्प्लॉयज को ही खुश रखा जाए. ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. अर्लियर टाइम्स में ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी. ठीक है. सो व्हाइल दीज मॉडर्न थ्योरीज हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, वी आल्सो फेस सम क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस. ये जो मॉडर्न थ्योरीज हैं अभी के टाइम पे, इनको बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, काफी लोग तारीफ करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, या कुछ कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स भी ऐसे भी हैं जिनको ये पूरी तरह से सही नहीं लगता है. ठीक है, जैसे आप अगर सारी चीजें इम्प्लॉई सेंटर्ड करने लगोगे तो एम्प्लॉयर क्या करेगा. एम्प्लॉयर के हिसाब से भी तो चीजें होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस आपको बना करके रखना है. दैट इज वाई इसका क्रिटिसिज्म होता है मॉडर्न थ्योरी का, कि यहाँ पे सारी चीजें जो है एक तरफा है, बायस है. ठीक है ना, तो इस चीज को लेकर के क्रिटिसिज्म होता है. लेकिन लॉन्ग रन में देखा गया है कि अगर आप बैलेंस लेकर के चलाओगे और एम्प्लॉय सेंटर्ड ही काम करोगे तो ज्यादा सही रहेगा.
ठीक है, लेट्स एग्जामिन सम की मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर क्रिटिक्स। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है हमारा सिस्टम थ्योरी। नाउ सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स। ये बहुत ही सही थ्योरी है, बहुत ही सही बोला भी गया है कि सिस्टम थ्योरी क्या देखता है। सिस्टम थ्योरी देखता है बिजनेसेस को इस तरीके से कि जो बिजनेसेस हैं वो आपस में एक एक सिस्टम के तहत एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट भी हैं। अब एक बिजनेस में अलग अलग पार्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओवरहेड डिपार्टमेंट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, व्हाटएवर। ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा तो पक्का काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसको एज ए सिस्टम के तौर पे देखा जाता है कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। सो इट एम्फसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ चेंजेस इन वन पार्ट कैन इम्पैक्ट द इंटायर सिस्टम। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मेन जो इम्फेसिस होता है वो ये इस बात पे होता है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो बना रहे, वो अच्छी तरह से चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। क्योंकि यहाँ पे दो देखो बोला गया है, क्योंकि अगर एक पार्ट में किसी भी तरह का बदलाव होगा एंड हाउ चेंजेस इन वन पार्ट, अगर एक पार्ट में किसी तरह का बदलाव होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको इंटायर सिस्टम में देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्रिटिक्स आर्ग्यू, अब यहाँ पे देखो क्रिटिक्स का क्या कहना है, क्रिटिक्स लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है दैट सिस्टम थ्योरी कैन ओवरली एब्स्ट्रैक्ट एंड लैक्स प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर फॉर मैनेजर्स ऑन हाउ टू एड्रेस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, है ना। सिस्टम थ्योरी में हम लोगों ने सिस्टम की बात कर दी कि पहले ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर वैसे करेगा, लेकिन जो एक मैनेजर का रोल होता है चीजों को गाइड करने में, है ना, मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिस्टम जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि सिस्टम थ्योरी बहुत ही ज्यादा ओवरली एब्स्ट्रैक्ट है ना, चीजों को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि सिस्टम वाइज चीजें जो है चलेंगी, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है मैनेजर्स की तरफ से वो लैकिंग करता है, वहां पे उस चीज की कमी है ना। तो सपोज कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया जहाँ पे सिस्टम जैसे काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन कुछ टफ डिसीजन लेने हैं, कुछ थोड़े बहुत बदलाव करने हैं, तो वो बदलाव आप बिना मैनेजर के, बिना मैनेजर के गाइडेंस के आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के कई लोग जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ओवरली एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी का मतलब आपने पहले सुना होगा, इसका मतलब कि अचानक से अगर कोई चीज हो जाए तो उसके लिए आपके पास बैकअप क्या है, तो क्या है आपके पास, तो इट इज लाइक कंटिजेंसी, मतलब वही हो गया, ठीक है ना। कंटिजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट देर इज नो स्मॉल साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंटिजेंसी थ्योरी का मतलब है कि ऐसा कोई भी अप्रोच नहीं है जो कि हर एक सिचुएशन में, हर एक सिनेरियो में फिट बैठ जाए। हर सिचुएशन में चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, सारी चीजें एक जैसी हो जो जरूरी नहीं है। अब एक सिचुएशन में आपने जिस चीज का इस्तेमाल किया, अगले सिचुएशन में भी सेम चीज का इस्तेमाल करके आपको सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आपको ऑप्टिमम वहां पे जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो कंटिजेंसी थ्योरी होती है वो बताती है, वो सजेस्ट करती है यहाँ पे कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, सारे अप्रोच में वो फिट हो जाए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इट असर्ट्स दैट मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड कंटिजेंसीज। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंटिजेंसी का मतलब हो गया कि कोई चीज जो अभी है नहीं बट इन फ्यूचर हो सकती है, उसको लेकर के फिर आपको चलना पड़ेगा, है ना। आप सोच के चलो कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से चला रहे हो, लेकिन वो बिजनेस उसी तरीके से लाइफ टाइम चलता रहेगा ये जरूरी नहीं है, कुछ भी नया कुछ आपको देखने को मिल सकता है, तो उस चीज में आप फिर क्या करोगे। तो कुछ भी कंटिजेंसी अगर अराइज होगी तो आपको उस चीज को टैकल करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी बोला गया है कि इट असर्ट्स दैट मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के ऊपर और कंटिजेंसीज के ऊपर कि आप उन कंटिजेंसीज को एज ए ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फेस करते हो, ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी। अब क्रिटिक्स का यहाँ पे मानना है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट कंटिजेंसी थ्योरी कैन बी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस। कंटिजेंसी थ्योरी को अप्लाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द वास्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अब एक काम को करने के तीन चार तरीके हो सकते हैं, आप कौन सा करोगे, है ना। या चलो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था,
लेकिन सपोज कोई काम अभी तक आपको मिला भी नहीं है, ठीक है, अचानक से कोई काम आपको मिल गया और आपको पता है कि ये काम 3-4 तरीके से हो सकता है, तो आप कौन सा अप्लाई करोगे? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो आपको पहले से सोचने का टाइम मिला तो आपने सोच लिया, लेकिन अगर अचानक से कोई चीज हो जाए, कंटिजेंटली अगर कोई चीज हो जाए तो फंस गए। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कंटिजेंसी थ्योरी कैन बी डिफिकल्ट टू अप्लाई। डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको कंसिडर करना होता है जब भी आप कोई डिसीजन वगैरह ले रहे होते हो। वेरिएबल्स टू कंसिडर एंड द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस। अगर यहाँ पे गाइडलाइंस क्लियर नहीं होती है कंटिजेंसी थ्योरी में, ऑब्वियसली नहीं होंगी, क्योंकि अचानक से कोई चीज हो रही है, तो आप गाइडलाइन कैसे बनाओगे उस चीज को लेकर के? फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट फिट बिटवीन, जो अच्छी तरीके से फिट हो जाए वो आपको जो है चूज करना है, विच इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो वो इस चीज को लेकर के क्रिटिक्स जो है इसको आर्ग्यू करते हैं। तीसरा है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। नाम से पता चल रहा है ह्यूमन रिलेशन की बात की जा रही है। सो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एम्फसाइज़ेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, मोटिवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोर और लेस चलता है सारा का सारा थ्योरी में, कोई 19-20 होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हमेशा चलता है। ये अभी के टाइम पे मतलब बैकबोन है, आप बोल सकते हो। अगर आप रिलेशंस अच्छे बना करके रखोगे, अगर आप अपने बिजनेस में सबका ख्याल रखोगे, तो वो लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज लाइक यू नो पैरेलली चलता है हर एक थ्योरी के साथ, ये होना ही है। सो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सैलरी बढ़ा दो या कुछ अच्छा चीज करो उसके लिए तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में बंदे को अपना सक्सेस ढूंढना पड़ेगा, अपना फायदा देखना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएगा ठीक तरीके से। इट रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये एक्चुअली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी रिकॉग्नाइज करता है या महत्व देता है, आप बोल सकते हो, कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, टीम वर्क क्यों जरूरी है, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये इन चीजों को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और वैल्यू देता है एक तरीके से। हाउएवर क्रिटिक्स का यहाँ पे कहना है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में ओवर सिंप्लीफाई, अगर ये ज्यादा इसको यूज किया जाए, इसको ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए, तो ये ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उसको वो ओवर सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आप एकदम से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे काम नहीं कर सकते। आप अगर सिर्फ लोगों के बारे में सोचोगे, बिजनेस के बारे में नहीं सोचोगे, तो भी दिक्कत हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये ओवर सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्सिटीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी होना ठीक बात नहीं होती है, ठीक है। एंड ओवरलुक द रोल ऑफ अदर फैक्टर्स। यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स हैं उसके रोल को हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हो गया। सिर्फ आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ आप नहीं चल सकते, आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। बट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एग्जिस्ट करती है और हर एक हाल में एग्जिस्ट करती है, ये होता ही है, ठीक है ना। चौथा है कंटिंजेंट रिवॉर्ड थ्योरी। कंटिंजेंट रिवॉर्ड थ्योरी फोकसेस ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज एंड ड्राइव परफॉर्मेंस। ये भी देखने को मिलता है, जहां पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा वहां पे ये भी होगा कि किसी बंदे ने अगर अच्छा काम किया तो उसको उस चीज के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उसको इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो बंदा और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है ना। इट सजेस्ट दैट रिवॉर्ड शुड बी कॉन्टिंजेंट अपॉन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जब कोई बंदा कुछ कंटिंजेंट चीजों को करेगा, देखो एक होता है मेरा डेली टास्क, वो तो मैं डेली कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्यों कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा डेली का काम है। हाँ, पर अगर मैंने कुछ एक्सेप्शनल कर दिया, जो काम मेरे कंट्रोल के बाहर था, फिर भी मैंने उस काम को कर दिया, आप समझ रहे हो, कुछ यूनिक मैंने कर दिया, तो उस केस में आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है। कंटिजेंट रिवॉर्ड इज लाइक दैट कि आपने कंटिजेंसी वाले सिचुएशन में आपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स अचीव किए, जिसकी वजह से आपको जो है इंसेंटिव या फिर ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये आपको मिला है, ठीक है। क्रिटिक्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं, ये क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड थ्योरी में क्रिएट अ नैरो फोकस ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो फोकस है वो बहुत ही नैरो हो जाए एक्सट्रिंसिक। देखो इन दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इज लाइक जो आपका बड़ा एनवायरनमेंट है, इंट्रिंसिक आप अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इम्प्लॉय के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ आपको खुद से मतलब है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है वो इंट्रिंसिक आप बोल सकते हो। एक्सट्रिंसिक इज लाइक कि आप सारी चीजों को देख करके सारा काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका इम्फेसिस जो है वो कम जाता है जब आप बार बार कंटिजेंट रिवॉर्ड देने का के बारे में सोचते हो या देने लगते हो,
ठीक है। हालांकि देखा जाता है कि इसका पॉजिटिव साइड भी है, अगर हम हर इम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलने लगे उसके बेहतर काम के लिए तो वो बेहतर ही काम करेगा, लेकिन इसका एक लूप होल भी है, इसका एक प्रॉब्लम भी है कि लोग अपने काम को अच्छे तरीके से करने के चक्कर में हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना सोचे, और जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए जो आपको कोलैबोरेशन का जरूरत है वो आप ना करके सिर्फ अपने बारे में सोचें, तो इसका नुकसान जो है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो सिर्फ इस चीज के ऊपर भी ध्यान देने से नहीं होगा, आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करना होगा। सिर्फ एक बंदे को मोटिवेट करना या एक बंदे के लिए करना वैसे नहीं चलेगा, आपको ओवरऑल चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, वो क्रिटिक्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फोकसेस ऑन नैरो फोकसेस ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नेग्लेक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको यहाँ पे आप एक तरीके से ओवरलुक कर जा रहे हो और फिर नेग्लेक्ट कर दे रहे हो, जिसके कारण से जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय को तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इस थ्योरी का या फिर इस चीज का यूज करते हो अपने बिजनेस में। तो फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी इम्फेसिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज शेयरिंग एंड अडेप्टेबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइज। पहले ये चीज नहीं थी, पहले ये बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, अभी के टाइम पे लेकिन वही होता है। अभी के टाइम पे हर 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग हो जाएगा आपका, कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, सर, हर महीने में हर 6 महीने में कोई ना कोई अपडेट भी बड़ा सा आ जाता है जिसके ऊपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को ट्रेन करवाया जाता है हर बार, उनको कॉन्टिन्यूस लर्न करवाया जाता है कि चीजों को इस तरीके से करना है। आप अगर बैंक में कभी जाओगे तो देखना, जो बंदा क्लर्क वाले पोस्ट पे बैठा हुआ है वो बंदा फिर कहीं और जाकर के किसी और डेस्क पे भी आपको बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसको बैंक के बारे में हर एक चीज हर एक काम उसको समझा दिया जाता है। भले ही आप क्लर्क के पोस्ट पे आप नियुक्त हुए हो या फिर पीओ के पोस्ट पे नियुक्त हुए हो, लेकिन आपको जो है सारे काम आने चाहिए तभी तो आप कर पाओगे ना, नहीं तो आप तो बोलोगे मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो उस चीज के लिए लोगों को ट्रेन करवाया जाता है। तो ये जो थ्योरी है यहाँ पे ये बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वेरिएबल्स से भरी हुई है और आपको हर एक वेरिएबल के बारे में जानना जरूरी है, इसके लिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की आवश्यकता है। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज शेयरिंग और अडेप्टिबिलिटी, किस तरीके से आप अडेप्ट करोगे डिफरेंट सिचुएशन में। मैं क्लर्क हूँ, मुझे क्लर्क का काम मिला, मैंने कर दिया। आपको अचानक से अगर मैनेजर का कोई काम मिल जाए, लोन मैनेजर का काम मिल जाए, तो आप किस तरीके से करोगे। तो ये अडेप्टेशन बहुत जरूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इट सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग एंड क्रिएट मैकेनिज्म फॉर कैप्चरिंग एंड डिसिमिनेटिंग नॉलेज, है ना। तो एक तरह का वो एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सेकेंड। ठीक है, तो वो आपको जो है एक कल्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि लोग नॉलेज शेयरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करें, है ना, सीखें चीजों को। सीखने का जो जो चाहत होता है अंदर से वो आना चाहिए, आप जबरदस्ती ट्रेनिंग कराओगे कोई फायदा नहीं है, अंदर से वो चीज आना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब आप वो कल्चर क्रिएट करोगे वहां पे, है ना, तो वो जरूरी है। अब क्रिटिक्स इस चीज को लेके आर्ग्यू करते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी में फेस चैलेंजेस इन द प्रैक्टिस। अब ये जो लर्निंग थ्योरी है वो हो सकता है कि प्रैक्टिस करते वक्त प्रैक्टिकल काम में वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो किसको फेस नहीं करना पड़ता। थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जो मैंने चीज किसी चीज के बारे में पढ़ी है, मैं उसी चीज को अप्लाई करने जब करने जाऊंगा तो देखना आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैंने कुछ और पढ़ा था, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो वो कभी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो आपके थ्योरेटिकल चीजों से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, प्रैक्टिस एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्ट्रगल टू ट्रांसलेट इंडिविजुअल लर्निंग इनटू कलेक्टिव लर्निंग। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग और कलेक्टिव लर्निंग की भी बात की गई है। जैसे मैं किसी चीज को किसी और तरीके से समझ रहा हूँ, दूसरा बंदा किसी और चीज को किसी और तरीके से समझ रहा है, एक ही चीज सीख रहे हैं, बट जो सीखने का नजरिया है, जो देखने का नजरिया है चीजों का, वो कलेक्टिव लर्निंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। इंडिविजुअल लर्निंग तो हो जा रही है, लेकिन उस इंडिविजुअल लर्निंग को जब आप काम करोगे तो आपको कलेक्टिवली करना पड़ेगा, तो उसको ट्रांसलेट करना कि आपने जो आपने इंडिविजुअली सीखा था उसको कलेक्टिव वे में कैसे करना है, वो करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। दैट इज वाई जो आपका आपके क्रिटिक्स है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखो क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज करना, जो काम जिससे आपका काम बेहतर बने आपको वो अप्लाई करना है।
ठीक है, तो हम लोग एक असल में हम लोग दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी थ्योरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ किन किन चीजों पे उन थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया जाता है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई वी आर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बोथ द थिंग्स टू मेक अ बैलेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ऐसे बोल सकते हो आप। बट सारी चीजें ही जरूरी है और सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि जरूरी नहीं है, मतलब ये सही नहीं जा रहा, तो चेंज कर दो। बिजनेस में थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू फोकसेस ऑन इंटरनल रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, रिसोर्स बेस्ड व्यू जो होता है वो आपका इंटरनल रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस करके बनाया हुआ एक थ्योरी होता है, जहां पे आप क्या करते हो, आप ये चेक करने की कोशिश करते हो कि आपका जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो किस चीज में है, और आप उसी चीज को फोकस करके उसी के ऊपर आप काम करते रहते हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है एक तरीके से कि आप अपने जो स्ट्रेंथ है आपका, जो आपका वीकनेस है, वो आप पहले से समझ के रख ले रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। ठीक है, नाउ इट इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिक ओ सॉरी नहीं टू द रिसोर्स बेस्ड व्यूज फोकसेस ऑन इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू इमिटेट बाई कॉम्पिटिटर्स। ये इम्फेसिस करता है उन सारी चीजों के ऊपर, उन यूनिक रिसोर्सेज के ऊपर, या फिर उन यूनिक कैपेबिलिटीज के ऊपर जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स आपका कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपके पास सपोज कोई एक ऐसी स्किल है जिसको कॉपी कर पाना, जिसको सीख पाना काफी मुश्किल काम है। मतलब आप उस काम में बेहतर हो, सबसे अच्छे हो, तो आपको उस वही काम करना चाहिए, है ना। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि आप जिस काम में अच्छे हो या जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसको उसके ऊपर ही काम करो, क्योंकि ये बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए इमिटेट कर पाना, कॉपी कर पाना आसान नहीं होता है, उनके लिए टफ होता है। तो आपको आपका जो बेहतर चीज है, जो यूनिक रिसोर्स आपके पास है, उसके ऊपर जो है आपको काम करना चाहिए। अब क्रिटिक्स इस चीज को लेकर आर्ग्यू कर क्या करते हैं, वो कहते हैं दैट द रिसोर्स बेस्ड व्यू में ओवरलुक द रोल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये तो होगा ही, आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान थोड़ी दोगे, आपको उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप जो भी बनाओगे या जो भी आप यूज करोगे, उसको तो फिर बाहर के वर्ल्ड में आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, है ना। तो जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोग कई बार इसको ओवरलुक कर जाते हैं, है ना। तो वो चीज भी यहाँ पे बोली गई है, एंड फेल टू अकाउंट फॉर द डायनेमिक एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। और यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बिजनेस नेचर होता है, जो बिजनेस एनवायरमेंट का नेचर होता है, वो डायनेमिक होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वही आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दे। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके ही आपको जो है अपने रिसोर्स बेस्ड व्यू में भी बदलाव लाना पड़ेगा। देख रहे हो, क्रिटिक्स को किसी भी बात में खुशी नहीं मिल रही है, वो हर चीज में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब बंदा काम ही ना करे। खैर, तो इसको एंड करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल दीज थ्योरीज हैव देयर क्रिटिसिज्म, सबका अपना अपना क्रिटिसिज्म है, दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो है सारी चीजें आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स भी आपको प्रोवाइड करती है, जानकारी भी प्रोवाइड करती है। मैनी कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस ड्रॉ अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्योरीज। बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो इन सारे थ्योरीज के ऊपर एक कंबाइन, यू नो, कंबाइन करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक थ्योरी, कंबाइन करके चीजों को साथ में ले करके चलते हुए अडेप्ट करती है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस में। तो बोला गया है अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्योरीज एंड अडेप्ट देम टू देयर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। सारे थ्योरीज का एक तरीके से कॉम्बिनेशन, सारा मतलब जो उनको सही लगता है उसका कॉम्बिनेशन करके उसको यूज करते हैं, और साथ ही साथ जब किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे या किसी स्पेसिफिक चैलेंजेस पे जब उनको इवॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के वो लोग वो काम भी करते हैं, है ना, अडेप्ट करते हैं खुद को। ठीक है, मोर ओवर ऑन गोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कंटिन्यू टू रिफाइन एंड एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी, हो सकता है कि 10 साल बाद इस चीज को लेकर के कुछ और नया थ्योरी आ जाए। ठीक है, तो ये हमेशा चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएगा। पहले भी लोग रिसर्च करते थे, पहले भी लोग इस बारे में बात करते थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। इससे क्या हो रहा है, ये और ज्यादा रिफाइन होता जा रहा है, और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। जैसा सिचुएशन होता है वैसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डिसीजन मेकिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एक्टिविटी होता है। तो ये हमेशा चलते रहेगा, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो ऑनगोइंग रिसर्च है डेवलपमेंट के ऊपर, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यू रिफाइन होता रहेगा,
और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो बढ़ता रहेगा और बेहतर होता रहेगा आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक गाइस? नो सर, ये क्लासेस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं करा पाया हूँ और आने वाले कुछ समय में थोड़ा क्लासेस करा भी नहीं पाऊंगा, बट मोस्टली हम लोग अगर क्लासेस करेंगे तो वो शाम के वक्त ही होगा। ठीक है, सुबह में थोड़ा अगर फ्री रहूंगा तो मैं करा दूंगा, जो कि आने वाले समय में थोड़ा मुश्किल है, बट शाम के टाइम में 8-9 बजे के आसपास क्लासेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर ठीक बोला था कि सर कुछ प्रैक्टिकल, हेलो सर, हाँ यस यस यस, प्रैक्टिकल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और ऐड सर करने बाकी हैं। देखो प्रैक्टिकल जो आपका है वो MCO 5 में थोड़ा सा है, MCO 3 को स्किप ही कर सर, दो क्योंकि MCO 3 में एक क्वेश्चन रहेगा, एक या दो मेरे ख्याल से, मतलब 8 क्वेश्चंस में से मान लो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है मैक्सिमम ज्यादा टाइम। MCO 5 नहीं है ना, MCO 5 में ही मेन इशू है, इवन MCO 22 आपका मैथ्स वाला पार्ट है लेकिन उसमें भी थ्योरेटिकल ज्यादा है, थ्योरीज ज्यादा आए हैं जो जो प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे हैं। सो MCO 22 का कुछ जो बेसिक चीज है वो मैं करा दूंगा, साथ ही साथ MCO 5 का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करना होगा क्योंकि अगर वहां आया तो वहां जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो MCO 5 के ऊपर काम चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन के अंदर आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। ठीक ना, एक्सक्यूज एंड मी सर, सर एक और क्वेश्चन था, सर पूछना बोलिए। था, सर जो न्यू डेट शीट आया है सर, उसमें एक सब्जेक्ट MCO 7 है सर, ये तो हम लोग का कोई सब्जेक्ट नहीं MCO 7 मैंने इंक्लूड किया है क्या आपके वाले में? MCO 7 एक्चुअली आपको थर्ड सेमेस्टर में करना होगा। सर, आपने इंक्लूड, मैंने डेट शीट देखा था ना सर, तो उसमें था MCO 7, तो मुझे लगा कि हम लोग का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं, तो वो आपने थर्ड सेमेस्टर का देख लिया होगा। जो मैंने पहले PDF सेंड किया था, आई थिंक वो थर्ड वाला और फोर्थ वाला ही शायद मैंने गलती से सेंड कर दिया था, इसलिए आपको वो दिखा हो। देखो आप जब डेट शीट देखोगे ना तो देखना ऊपर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ आपका है ओके MC, जो थर्ड सेमेस्टर है वहां पे फिर आपको MCO 3, आपको मैंने MCO 3 भी बोला ना अभी, नहीं सॉरी MCO 3 भी आपका नहीं है, MCO 3, MCO 7, IBO 2 और MCO 15, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो कि आप लाइक आने वाले 6 महीने में करेंगे, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपका MCO 1, 4, 5, 21, 6, 22, 23 और 24 है, इसमें से सिर्फ एक पेपर ही है आपका जो कि थ्योरी प्रैक्टिकल के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो MCO 5। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब भी उतना नहीं भी करने से चलेगा, थ्योरेटिकल काफी है, थ्योरीज काफी है करने के लिए, तो आप उनपे सर, तो टिक दो जो और आपने सर MCO 5। डेट शीट भेजा सर, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी दिन हम लोग का सारे एग्जाम्स हो गए हैं ना, और वो टाइम वगैरह सब वही रहेगा, सेम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है फाइनल डेट शीट ही था, अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ है 30 अक्टूबर को वो फाइनल डेट शीट है, उसमें लिखा हुआ भी है, बट इग्नू का कुछ भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, तो इसको लेकिन फिर भी मान के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, और 10 दिन पहले, कम से कम एग्जाम से 10 दिन पहले ये लोग हॉल टिकट रिलीज कर देंगे, तो जब हॉल टिकट आ जाएगा तो हॉल टिकट में आपको सारा डेट सारा टाइम वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाने वाला है। ठीक है, ओके उसमें बदलाव ज्यादा नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डेट्स मैंने शेयर किए हैं उसमें और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आया भी तो छिटपुट होगा, थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, बहुत ज्यादा बदलाव जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर, सर और ये असाइनमेंट का सर, मैंने चेक किया था तो असाइनमेंट स्टेटस में कुछ अभी शो ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे, होता है ऐसा, मेरे टाइम पे 3 महीने बाद हुआ था। सो डोंट वरी, ओके उसको लेकर के मत सोचिए, आपके पास रिसीविंग कॉपी है, आपने सबमिट कर दिया है। आपने आपने क्या चेक किया था वैसे, ग्रेड कार्ड चेक किया था या असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस चेक किया था? नो सर, वो क्या कहते हैं सर, जो स्टूडेंट्स लॉग इन करने पे सर जो सारा डिटेल्स खुलता है ना अच्छा, सर, यस सर सर, तो मैंने वहां पे ऐड ये असाइनमेंट स्टेटस पे जाके चेक किया था, तो उसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा है। ओके ओके, आपने सही जगह ही चेक किया था। थोड़ा वेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से दिसंबर 15 के बाद ही कुछ वहां देखने को मिले तो मिले, उसके पहले वो लोग शायद नहीं दिखाएंगे। ठीक है ठीक है, दिन तो आज का, आज मैं भी शायद शाम में क्लास करें, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा 1-2 घंटे पहले। ठीक है, चलेगा ओके सर, ओके सर, ओके। सर, ओके।
ठीक है गाइस, देन पढ़ाई करते रहिए, कोई ओके प्रॉब्लम हो सर, तो मुझे बताइए, किसी क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो बताइएगा, पहले उसको कर लेंगे डिस्कस, है ना। सो करते हैं गाइस, एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन सर, ये बोलिए। जो क्लासिकल थ्योरी है और सर न्यू क्लासिकल थ्योरी है, तो सर तो न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी सेम है क्या? तो डिफरेंस मोर है और लेस दोनों सेम में? ही है, आप सेम बोल सकती हो उसको, ठीक है, लेकिन ओके सर, सर मतलब मॉडर्न, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दोनों सेम है ना? हाँ नहीं देखो, क्लासिकल थ्योरी इज लाइक जो पुराने टाइम पे चल रहा था, न्यू क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको किया गया है, मॉडर्न सर तो थ्योरी एक इज तरह से लाइक, वो मॉडर्न थ्योरी हुआ ना? हाँ मॉडर्न थ्योरी ही हुआ, बट यहाँ पे बहुत एक टाइनी सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। मॉडर्न थ्योरीज में एक्चुअली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसी के बेस पे बनी हुई हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है वो नया है, पहले नहीं था, ठीक है, तो उस तरीके से उसको मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है। बट देखो, आपको बस टॉपिक याद रखना है और टॉपिक में क्या बोला गया है वो याद रखना है, थ्योरीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उसको पढ़िए, न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, एंड क्लासिकल थ्योरी क्या है, बस वही कीजिए। ओके मॉडर्न थ्योरीज में बहुत सारी चीजें नई भी इंक्लूड की गई हैं जो पहले हुआ ही नहीं करती थी, ठीक जी सर, है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, सर, स्टडी कीजिए, जितना ज्यादा पढ़िएगा चीजों को उतना बेहतर होता जाएगा, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ठीक है, देन ओके ओके, बाय बाय। बाय सर।